हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आजकल आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आ रही हूँ विद ग्रेट मॉरल वैल्यू। और इस बार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी भी इमेजेस देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टोरी है ऑन द फॉक्स एंड द स्टॉर्क, है ना। तो आइए इसका टाइटल देखते हैं, द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। और इसका मॉरल वैल्यू भी है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक्साइटेड मॉरल वैल्यू है, टिट फॉर टैट। काफ़ी इजी स्टोरी है, आप इसको ओरल रिसाइटेशन के लिए लर्न कर सकते हैं, एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी लर्न कर सकते हैं। आइए इसको रीड करें। द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। ए फॉक्स एंड ए स्टॉर्क वर क्लोज फ्रेंड्स। वन डे द फॉक्स सेड टू द स्टॉर्क, विल यू कम एंड डाइन विद मी? With pleasure, answered the stork. But when the dinner was served, he did not feel at all pleased. The only food was a flat dish of soup. The stork, with his long bill, could not eat it, but the fox lapped it up joyfully. A few days later, the stork met the fox and asked him to dinner. The fox agreed and went over to his friend's house. The stork had served the soup in a tall, narrow pitcher, so he himself enjoyed it with the long beak. But the fox had to go back hungry. So moral is tit for tat. और यहाँ पर with his long bill नहीं होगा, beak होगा, okay? With his long beak. आइए इसको दोबारा से रीड करें। A fox and a stork were close friends. One day the fox said to the stork, एक दिन fox ने stork को कहा, Will you come and dine with me? क्या तुम मेरे पास आओगी और मेरे साथ डिनर करोगी? With pleasure, answered the stork. तो stork ने आंसर दिया कि बहुत खुशी की बात है, जरूर आऊँगी। But when the dinner was served, he did not feel at all pleased. लेकिन जब डिनर सर्व किया गया तो स्टॉर्क को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो डिनर सर्व किया गया है एक बाउल में जो काफ़ी फ्लैट है, और इस बाउल में जो स्टॉर्क है वो अपनी लॉन्ग बीक के कारण इसको, इस सूप को नहीं पी सकती। तो हुआ क्या, बट व्हेन द डिनर वाज सर्व्ड ही डिड नॉट फील एट ऑल प्लीज्ड। द ओनली फूड वाज ए फ्लैट डिश ऑफ सूप। द स्टॉर्क विद हिज लॉन्ग बीक could not eat it, but the fox lapped it up joyfully. लेकिन फॉक्स इसको फटाफट से खा गई। A few days later, the stork met the fox and asked him to dinner. कुछ दिन बाद जो है स्टॉर्क फॉक्स को मिली और उसने उसको डिनर पे इन्वाइट किया। The fox agreed, फॉक्स तैयार हो गई and went over to his friend's house, और अपने फ्रेंड्स के हाउस में गई, that means स्टॉर्क के हाउस में गई। द स्टॉर्क हैड सर्व द सूप इन ए टॉल नैरो पिक्चर। अब स्टॉर्क ने अपने अकॉर्डिंग टॉल और नैरो पिक्चर लिया और उसमें डिनर जो है सर्व किया। अब स्टॉर्क की चोंच तो देखो उसमें चली गई और स्टॉर्क ने तो डिनर कर लिया, लेकिन फॉक्स अपना मुंह उस पिक्चर में कैसे घुसाती और वो नहीं खा पाई और भूखी ही चली गई। द स्टॉर्क हैड सर्व द सूप इन ए टॉल नैरो पिक्चर, सो ही हिमसेल्फ इंजॉयड इट विद हिज लॉन्ग बीक, बट द फॉक्स हैड टू गो बैक हंगरी। तो जैसा कि फॉक्स ने स्टॉक के साथ किया, वैसा ही स्टॉक ने फॉक्स के साथ किया। तो मॉरल है टिट फॉर टैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय बाय, हैव अ लवली डे।